नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे वर्ण विचार। ठीक है, अभी तक अपन लेसन पढ़ चुके थे। लेसन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस प्रकार उनका उच्चारण किया जाता है, व्यंजन उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटे गए। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे लेसन के क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे लेसन के क्वेश्चन आंसर बच्चों, आपको जो बुक वर्क है ना क्वेश्चन आंसर का, वो आपको क्योंकि बुक में स्पेस दे रखा है आपको करने का, तो आपको बुक के अंदर ही करके चेक करवाना। ठीक है, जो आप काम करोगे वो नीट एंड क्लीन करना, ठीक है, ताकि हमको बुक के अंदर समझ में आए, आप भी पढ़ के क्या कर सको, उसको समझ सको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को, क्या कहेंगे अपन, वर्ण कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या शब्द कहेंगे, क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण होती। क्यों, क्योंकि वर्णों के कोई खंड नहीं हो सकते। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती। क्यों, क्योंकि वर्ण के और टुकड़े अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ अम अह। ठीक है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों से साथ से निकलती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके जो ध्वनि है, आप बोलना चाहते हो तो आप जब वर्ण का उच्चारण करते हो तो ध्वनि किससे निकलती है, मुंह और नाक दोनों से साथ में निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, आपके अनुनासिक शब्द कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, आगत कहते हैं या व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अम की ध्वनि क्या है, ठीक है, अम ध्वनि जो है किसमें आती है, अनुनासिक में आती है, अनुस्वर में आती है, अनुनासिक में आती है, विसर्ग में आती है, अनुनासिक में आपके नहीं आती है, क्योंकि इसमें अंदर जो आपके उच्चारण के दौरान हवा है उसमें कोई गतिरोध, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अनुनासिक है जिसके ऊपर क्या लगता है, चंद्रबिंदु लगता है। ठीक है, अनुनासिक में क्या लगता है आपका, चंद्रबिंदु वाले शब्द आते हैं। अनुस्वर के अंदर आपका क्या आता है, अम की मात्रा आती है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, अनुस्वर के अंदर आता है, जैसे अंगद, चंचल, घंटा आदि। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से, अंतस्थ मतलब जो मन से उत्पन्न होते हैं, अंतस्थ मतलब जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, मार्ग जो होता है वो सकरा हो जाता है, च छ जह कख गघ श श शह यर लव, तो कौन से होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, यर लव, कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। शक्त वर्ण क और श्र, ठीक है, क और सॉरी श जो है आपका किसके मेल से बना है, ठीक है, पढ़े थे ना अपन ने संयोग, पढ़ा था संयोग, उसके अंदर श जो है आपका किसके मेल से बन रहा है, किसके मेल से बनता है, क श के या फिर श श के, ठीक है, किसके मेल से आपका जो श है वो बन रहा है, श जो है आपका किसके मेल से बनता है। ठीक है, ये अपन ऊपर पढ़ा था जब अपन लिख रहे थे कौन सा किसके मेल से बनता है, तो श जो है आपका क के नीचे हलंत और श षटकोण वाले के मेल से क्या मिलता है, श बनता है। ठीक है, किसके मेल से बन रहा है, क के नीचे हलंत और श षटकोण वाला। ठीक है, इसके नीचे क के नीचे हलंत है, श के नीचे क के नीचे हलंत नहीं है, श के नीचे हलंत है, क और श दोनों के नीचे हलंत नहीं है, क और श, ठीक है, क के नीचे हलंत है, श के नीचे नहीं है, क और श दोनों के नीचे हलंत है, तो अपने को क्या चाहिए जिसमें क के नीचे हलंत और श पूरा हो। ठीक है, तो कौन सा वाला राइट है इसमें, थर्ड वाला, कौन सा वाला राइट है, थर्ड वाला। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, जिसमें दोनों जो व्यंजन हो, किसको कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, एक जैसे मतलब समान, क क त त च च, उसको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, क्लेश, वक्र, चक्का, स्वास्थ्य, तो किसके अंदर दोनों सेम आ रहे, ठीक है, चक्का के अंदर क और क दोनों क्या मिलकर बना रहे, चक्का। वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें वर्ण जो होते हैं क्रम से और एक निश्चित समूह में लिखे जाते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, कितनी होती है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके उसको
व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है? आपके जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कितने होते हैं संख्या में? 25। क से लगाकर म तक संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। क से लगाकर म तक कितनी होती है संख्या? 25 होती है क से लगाकर म तक। अंतस्थ व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका उच्चारण है वो स्वर के समान होता है, ठीक है? क्या कहलाते हैं? ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, ठीक है? व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है? जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको कौन सा कहते हैं? घोष व्यंजन। क्या कहते हैं? घोष व्यंजनों का जब आप उच्चारण करने जाते हो तो क्या होता है, आपके स्वर तंत्रियां जो है उनमें जो कंपन के जो भाव है वो कंपन जो है आप क्या कर सकते हो? महसूस करते हो, ठीक है? क्या करते हो? जब आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं आप उच्चारण करने जाते हो इन वर्णों व्यंजनों का, तो इसमें कंपन महसूस होता है, इसको कहते हैं घोष व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है आपका, वो आपका हमेशा घोष व्यंजन होता है, ठीक है? इसके अलावा यर लव जो है आपके घोष व्यंजन के अंदर आते हैं। स्वरों के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर के बिना जो व्यंजन लिखे जाते हैं, ठीक है, थीके? अगर आप स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, और इसके स्थान पर क्या करते हो आप इसको, स्वरों के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को आप क्या करते हैं? इनको हल चिन्ह कहते हैं, ठीक है, थीके? क्या कहते हैं? स्वर के बिना अगर आप व्यंजन लिखना चाहते हो, ठीक है, किसके बिना? स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को क्या कहते हैं? स्वर मात्रा कहते हैं, ठीक है, थीके? स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन, सॉरी, स्वर, इसको अपन बाद में छोड़ दो, एक बार बाद में करेंगे। दो व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां क्या होता है? संयोग होता है, ठीक है? क्या होता है? जहां द्वित्व नहीं होगा वहां क्या होगा? संयोग होगा, ठीक है? वहां पे संयोग होता है। क्या होता है? जहां पर दो व्यंजन आपस में मिलते हैं लेकिन दोनों क्या हो? समान ना हो, ठीक है? जिसमें क्या ना हो? समान ना हो, उसको क्या लिखते हैं? संयोग लिखते हैं, ठीक है? स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे क्या लगता है? हल्का चिन्ह लगता है, ठीक है? अगर आप स्वर को बिना व्यंजन की सहायता से लिखते हो तो उसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, ठीक है? अब इसमें लिखना है नीचे लिखे शब्दों में उनमें लगे चिन्हों के आधार पर अलग अलग करके लिखिए, ठीक है? विसर्ग किसमें लगा है, अनुसर्ग किसमें लगा है और हलंत किसमें लगा हुआ है, ठीक है? पहले विसर्ग किसको बोलते हैं? विसर्ग, प्रातः में आपका विसर्ग लगा है, दुख में आपका विसर्ग लगा है, तो फर्स्ट में आपका प्रातः, सेकंड है आपका दुख। क्या है? दुख। नेक्स्ट है आपका अनुस्वर, किसमें लगा है? हंस और गंगा में। किसमें लगा है? हंस और गंगा में। नेक्स्ट है आपका हलंत, किसमें लगवा है? विद्वान और उद्धार में। विद्वान और उद्धार में आपका क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों में संयुक्त व्यंजनों और द्वितीय व्यंजनों को अलग अलग कीजिए, ठीक है? संयुक्त व्यंजन किसमें कहते हैं? जिसमें क्या है, दोनों शब्दों को मिलके, दो व्यंजनों को मिलकर कोई नया स्वर व्यंजन बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? संयुक्त व्यंजन किसमें लगा हुआ है? ज्ञान में। ज्ञान में क्या है आपका? ज्ञ जो है किससे मिलके बना है? ज और प्लस ज्ञ से, ठीक है? इसी प्रकार से क्षण,
क्षण किससे मिलके बनाया आपका, किससे मिलकर बना है, श और किससे बना है, श क और श से, किससे बना है, क और श से। तो क के नीचे आपका हलंत नहीं है, क के नीचे हलंत प्लस श क्या बना आपका, क्षण बना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ज बना है आपका उद्दम, नेक्स्ट है आपका उद्दम। ठीक है, उद्दम के अंदर ध्य जो है आपका किससे बनाए, य और ध्य से, किससे बनाए ये द और य से। द प्लस य, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन क्या है, च प्लस च सच्चा, इसमें क्या है आपका च प्लस च। ठीक है, पल्लवी ल प्लस ल, मक्का क प्लस क। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित शब्द में कितने वर्ण है, इन्हें अलग अलग कर लिखिए। ठीक है, इसको काउंट भी करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, कितने वर्ण दे रखे हैं आपको काउंट भी करना है। महिमा म, म के नीचे हलंत प्लस अ, अ क्योंकि स्वर है स्वर के नीचे नहीं लगेगा, प्लस ह, प्लस ह के ऊपर ई की मात्रा है छोटी ई की, ह के नीचे हलंत प्लस म हलंत प्लस आ। ठीक है, तो कितने हो गए वर्ण अपने, एक दो तीन चार पांच छह, कितने वर्ण हुए, छह वर्ण। नेक्स्ट है आपका गुलाब, ठीक है क्या है गुलाब, तो गुलाब के अंदर कितने वर्ण आ रहे हैं आपके, घ प्लस ल प्लस, फर्स्ट आता है आपका घ, सॉरी फर्स्ट आता है आपका घ, घ के नीचे हलंत, ठीक है प्लस बड़े उ की मात्रा, सॉरी छोटे उ की मात्रा, प्लस ल प्लस हलंत आ प्लस ब, ब के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है, ये कितने वर्ण हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, कितने हो गए, छह वर्ण। नेक्स्ट है आपका भोजपुरी, ठीक है भ हलंत प्लस ओ की मात्रा प्लस ज प्लस प, सॉरी अ आएगा, जा जा के नीचे हलंत प्लस अ प्लस प, प के नीचे छोटे उ की मात्रा प्लस र प्लस ई की मात्रा, ठीक है बड़ी ई की मात्रा। तो कितने वर्ण हो गए, ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा आपका परिश्रम, ठीक है क्या आता है परिश्रम, तो प प्लस अ प्लस र अलंत प्लस ई की मात्रा छोटी ई की प्लस श्र, श्र आपका क्या है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, श्र के अंदर क्या मिला हुआ है, श और र, ठीक है तो श
हलंत प्लस र प्लस म प्लस अ, ठीक है श्रम। तो कितने वर्ण हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कितने वर्ण हो रहे हैं इसमें, एक दो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ वर्ण। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में त प्लस अ प्लस म, नीचे हलंत प्लस ई की मात्रा प्लस ल प्लस अ प्लस, जहां बच्चों वर्ण व्यंजन में अगर कहीं नीचे हलंत छूट जाता है ना, तो वो आपको वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि अगर अपन वर्ण विच्छेद कर रहे हैं और व्यंजन से स्वर अलग हो रहा है तो उसके नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा, ठीक है। अ प्लस न प्लस आ प्लस ड प्लस उ, ठीक है, इक्वल्स टू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस वर्ण है, ठीक है। कितने वर्ण है इसमें, दस वर्ण है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।